ये कहानी एक लड़की की जिसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन फिर उनकी शादी कहीं और हो जाती है, पर किस्मत उन्हें 7 साल बाद वापस से मिला देती है। अब आगे क्या होगा ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन। मूवी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत सी एयर होस्टेस को देखते हैं जिसका नाम एप्रिल है। चेकिंग के दौरान वो एक जगह पर हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन लेती है। तभी उसके बगल में एक लड़का आता है जिसका नाम मैनुअल है और वो भी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनने लगता है। लेकिन जब वो देखता है कि एप्रिल को म्यूजिक प्ले करने में प्रॉब्लम हो रही है तब वो उसकी हेल्प करता है और यहाँ एप्रिल भी उसे देखकर एक छोटी सी स्माइल देती है। फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं पर किस्मत उन्हें वापस से मिला देती है जब उनकी फ्लाइट सेम होती है। एप्रिल मैनुअल के पास आती है और उसके साथ एक बच्चा होता है। वो मैनुअल से कहती है कि ये सीट इस बच्चे की है। फिर वो बच्चा विंडो सीट पर जाकर बैठ जाता है और एप्रिल मैनुअल से कहती है कि ये बच्चा अकेले ही ट्रैवल कर रहा है और इसके पेरेंट्स ने मुझ पर इसकी जिम्मेदारी सौंपी है, इसे तुम इस बच्चे का ध्यान रखना। फिर फ्लाइट टेक ऑफ करती है और मैनुअल थोड़ी देर बाद एप्रिल के पास आ जाता है। एप्रिल उससे पूछती है कि तुम अभी तक सोए नहीं। इस पर मैनुअल कहता है कि मुझे फ्लाइट में नींद नहीं आती। फिर वो उससे उसके ट्रैवल करने का रीजन पूछती है जिस पर मैनुअल बताता है कि वो वाइन बनाने का काम करता है और इसीलिए वो बिजनेस पर्पस के लिए ट्रैवल कर रहा है। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी वो दोनों देखते हैं कि एक दूसरी एयर होस्टेस एक आदमी के साथ चुम्मा चाटी कर रही होती है। इसे देखकर वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। तभी फ्लाइट झटका देती है जिस पर मैनुअल पूछता है कि क्या ये झटका नॉर्मल है। इस पर एप्रिल बताती है कि हाँ ये बिल्कुल नॉर्मल है और फ्लाइट में ऐसा होना आम बात है। मैनुअल तो इशारों इशारों में एप्रिल से पूछता है कि अगर हम दोनों यहाँ किस करें तो क्या वो भी नॉर्मल होगा। इससे पहले कि एप्रिल कुछ बताती वो एयर होस्टेस जो कि अंदर चुम्मा चाटी कर रही थी वो बाहर आ जाती है जिस वजह से मैनुअल को भी वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब वो एयर होस्टेस हल्का होने के लिए जाती है तब मैनुअल वापस से एप्रिल के पास आ जाता है और उसे देखकर एप्रिल कहती है कि तुम्हें यहाँ बार बार नहीं आना चाहिए। मैनुअल उससे उसके टैटू के बारे में पूछता है जिस पर एप्रिल बताती है कि ये टैटू मेरे एक्स की निशानी है। वो अपने थाईस में बने टैटूज भी मैनुअल को दिखाती है और फिर मैनुअल से जाने को कहती है। लेकिन तभी फ्लाइट एक झटका देता है इस वजह से मैनुअल लड़खड़ा जाता है और एप्रिल उसे संभालती है और फिर दोनों पैशनेट होकर किस करने लगते हैं। मैनुअल उसे फ्लाइट के बाद डिनर के लिए पूछता है जिस पर एप्रिल मान जाती है। फ्लाइट लैंड होती है और एप्रिल मैनुअल का वेट करने लगती है लेकिन तभी कस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से पैसेंजर को बाहर जाने नहीं दिया जाता। बाहर एप्रिल मैनुअल का वेट करने लगती है और उन दोनों के पास एक दूसरे का कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं था जिस वजह से दोनों दोबारा कभी नहीं मिल पाते। फिर देखते देखते 7 साल बीत जाते हैं और एप्रिल की शादी ध्रुव नाम के एक रॉकस्टार से हुई है और उसका एक बेटा भी है। वही दूसरी तरफ मैनुअल की भी एक बीवी है और एक बेटी है। उसकी बीवी का नाम लॉरा है। दोनों को अपने शो के वजह से हमेशा ट्रैवल करना पड़ता है और एप्रिल तो पहले से ही एयर होस्टेस थी जिस वजह से दोनों अपना ज्यादातर टाइम फ्लाइट में ही बिताते हैं। एप्रिल को कोलंबिया की फ्लाइट पकड़नी थी और उधर मैनुअल भी कोलंबिया के लिए निकल रहा था और वो दोनों एक ही होटल में रुकते हैं जहाँ जब पहले एप्रिल मैनुअल को देखती है तो वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। लेकिन फिर मैनुअल उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे भूल गई। इस पर एप्रिल कहती है कि बिल्कुल नहीं। मैनुअल कहता है कि मैंने तुम्हें कितना ढूंढा और फिर वो उसे साथ में लंच के लिए पूछता है और वो दोनों उसी होटल के रूफटॉप पर लंच के लिए आ जाते हैं। यहाँ एप्रिल बताती है कि उस दिन उसने मैनुअल का 5 घंटे तक इंतजार किया। इस पर मैनुअल बताता है कि हमें उस दिन एयरपोर्ट पर ही रोका गया था। फिर एप्रिल अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। फिर वो मैनुअल को अपने हस्बैंड और बेटे की फोटो दिखाती है और मैनुअल भी उसे अपनी फैमिली फोटो दिखाता है। एप्रिल कहती है कि आखिर तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हें मिल ही गया। इस पर मैनुअल कहता है कि ये सच्चा प्यार हमारे बीच में हो सकता था लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैनुअल यहाँ बताता है कि उसे उस दिन एप्रिल से प्यार हो गया था। इस पर एप्रिल कहती है कि बस एक किस्से तुम्हें मुझसे प्यार हो गया और ये कहकर एप्रिल वहाँ से चली जाती है और फिर रात में वो अपने बॉस की पार्टी ज्वाइन करती है और उसे यहाँ मैनुअल देखता है जो अपने विंडो से उसे देख रहा था। एप्रिल उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहती है और दोनों डांस करने लगते हैं। इसके बाद दोनों एक साथ जगह पर चले जाते हैं और एप्रिल यहाँ मैनुअल के गालों पर किस करके चाहने लगती है लेकिन तभी मैनुअल एप्रिल के होठों को चूमने लगता है और फिर यहाँ दोनों बेकाबू होने लगते हैं। लेकिन फिर किसी तरह एप्रिल खुद को कंट्रोल करती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन एप्रिल देखती है कि मैनुअल अपने वाइन के सैंपल्स कस्टमर को दिखा रहा था और उसके बाद दोनों बाहर जाते हैं और साथ में खूब एंजॉय करते हैं। फिर दोनों एक जगह पर रुककर बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में एप्रिल मैनुअल को किस करने लगती है। मौसम भी सुहाना था इसलिए दोनों यहाँ बैठ जाते हैं और फिर वापस होटल में आकर दोनों इंटीमेट होते हैं। यहाँ मैनुअल एप्रिल को एक हार्ड रिंग गिफ्ट करता है। तभी मैनुअल की वाइफ का कॉल आता है और मैनुअल उसे बताता है कि वो एक मीटिंग में है। ये सुनकर एप्रिल सैड हो जाती है क्योंकि उसे अचानक से रियलाइज होता है कि वो दोनों अपने पार्टनर्स को चीट कर रहे हैं।
मैनोगोस है कि क्या हुआ, क्या तुम मेरे वाइफ के कॉल करने की वजह से अपसेट हो? इस पर अब्रेल कहती है कि नहीं, वो इसलिए अपसेट है क्योंकि वो दोनों अपने पार्टनर्स को चीट कर रहे हैं और उनका कोई फ्यूचर नहीं है। ये कहकर वो चली जाती है और फिर कई दिन बीत जाते हैं। मैनुअल का काम में मन नहीं लगता और वो बार बार एफबी पर अब्रेल की फोटो देखता है, फिर उसे रहा नहीं जाता और वो उससे मिलने के लिए मैसेज करता है, लेकिन अब्रेल उसे मना कर देती है। इस वजह से मैनुअल दुखी हो जाता है। अगले सीन में हम मैनुअल की वाइफ को देखते हैं जो कि ब्रोनो का फोटोशूट कर रही थी। तभी वहाँ मैनुअल आ जाता है और एक बार फिर से मैनुअल और अब्रेल आमने सामने आ जाते हैं। ब्रोनो और लॉरा शूट में बिजी हो जाते हैं और तभी मैनुअल अब्रेल को सेड्यूस करने लगता है और उसे होटल के रूम में आने को कहता है। ये सुनकर अब्रेल पहले तो गुस्से में वहां से चल जाती है, लेकिन बाद में उसे रहा नहीं जाता और वो खुद मैनुअल के रूम में आ जाती है, जहाँ दोनों वापस से इंटीमेट होते हैं। लेकिन इसी दौरान अब्रेल अपने बेटे को स्कूल से पिक करना भूल जाती है और ब्रोनो को उसे पिक करना पड़ता है। अब्रेल को अब अपनी गलती का एहसास होता है कि वो अपनी फिजिकल डिजायर की वजह से अपनी फैमिली से दूर होती जा रही है। वही दूसरी तरफ मैनुअल की वाइफ मैनुअल को उसकी और अब्रेल की एक तस्वीर दिखाती है। इसके एक्सप्रेशन से वो समझ जाती है कि मैनुअल और अब्रेल के बीच कुछ तो चल रहा है। इसके अफेयर के बारे में लॉरा को पता चल जाता है और मैनुअल कहता है कि मैं तुम्हें बताना ही चाहता था, और ऐसी चीजें हो जाती है। लॉरा कहती है कि मैं तो ऐसा नहीं करती, उधर अब्रेल भी अपनी गिल्ट को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं करवाती है और ब्रोनो को सारी सच्चाई बता देती है। ब्रोनो उस पर काफी गुस्सा करती है और अब्रेल कहती है कि वो उन्हें छोड़कर जा रही है। ब्रोनो कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फिर अब्रेल मैनुअल को मैसेज करती है और मैनुअल उसे लेने के लिए आता है। अब्रेल और मैनुअल एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में मैनुअल टैक्सी से उतर जाता है और काफी परेशान दिखाई देता है, जिससे अब्रेल समझ जाती है कि मैनुअल अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकता। अब्रेल टैक्सी के अंदर से उसे देखती है और फिर उसे मैसेज करती है कि वो उसे आज नहीं मिल सकती। मैनुअल उसका मैसेज पढ़ता है और काफी अपसेट होता है। अब्रेल टैक्सी लेकर वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ती है और मैनुअल उससे रोक